तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसको हम एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। देखिए ठीक है, और बेसिकली आपको पता है कि जो आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं, आप देखो आपको पता है कि विटेकर एक साइंटिस्ट था, आर एच विटेकर, आप जानते हैं नाम। तो सबको नाम पता है ना आर एच विटेकर का, जिसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था, है ना। और आपको पता है कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका जो मेन बेसिस था ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस है और न्यूट्रिशन का बेसिस होता है कि इसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मेनली ये दो बेसिक है इसका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। और आप जानते हैं कि फाइव किंगडम में जो किंगडम्स की बात करते हैं, इसमें मोनेरा आता है, इसमें प्रोटिस्टा आता है, इसमें फंजाई आता है, इसमें प्लांटे आता है, और आपका जो किंगडम है वो एनिमेलिया। ना, तो ये आप जानते हैं कि ये फाइव किंगडम का पूरा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। दैट्स राइट, एंड वी नो दैट ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब आप इस लेवल पे हैं कि आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है ये पता है, आपको ये माना जाता है, ये मान रहा हूं मैं कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है, सेल्स के दो टाइप हैं ये, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रिमिटिव सेल्स प्रोकैरियोट्स थे और बाद में यूकैरियोट्स इवॉल्व हुआ है, ये आपने पढ़ा है इवोल्यूशन वाले क्लास में भी। तो देखो जितने भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स आते हैं उन्हें मोनेरा कहा जाता है, ये पता है आपको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा कहते हैं इसको। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स वो प्रोटिस्टा में आते हैं, है ना, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है ना, एंटामीबा है। तो लिटका की बात करें कि जितने भी सिंगल सेल्ड लेस्मेनिया है, कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, ये सब प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। आप बैक्टीरिया के बारे में जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में जानते हैं, वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स में आता है, उसे मोनेरा कहा जाता है। तो मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गे भी आते हैं, मोनेरा में बैक्टीरियाज वगैरह भी आते हैं, साइनो बैक्टीरिया जानते हैं आप, ब्लू ग्रीन एल्गे को ही कहते हैं। और जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, जिसमें पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, ट्रिपैनोसोमा भी है, एंटेमीबा भी है, वॉट एवर, ये सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, इन्हें प्रोटिस्टा कहा जाता है। अब ये बताओ कि इन तीनों में, फंजाई में, प्लांटे में और एनिमेलिया में, एक सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड व्हाट इज दैट? वी नो दैट फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ऑल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर यू कैरियोट्स कहा जाता है इसको। देखिए इन सब में एक सिमिलरिटी है, देखो ऑल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर यू कैरियोट्स कहते हैं, है ना। लेकिन तो डिफरेंस क्या है बताओ? अगर ये तीनों मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ही होते हैं तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, है ना। आप जानते हो कि फंजाई जो होते हैं दे आर बेसिकली डिकम्पोजर, डिकम्पोजर एंड नॉन मोटाइल कहा जाता है। प्लांटे जानते हैं आप, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो एनिमेलिया होते हैं इसको आप जानते हो, इसको हेटरोट्रॉप कहा जाता है, हेटरोट्रॉप,
एंड मोटाइल कहा जाता है। वैसे प्लांट भी नॉन मोटाइल ही होता है, प्लांट में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता आपकी तरह, है ना। तो देखिए, तो डिफरेंस कहां है बताओ, डिफरेंस है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले पार्ट में। इनका न्यूट्रिशनल मोड क्या है आप जानते हैं, फंगस जो होता है वो डिकम्पोजर होता है, वो जो डिकेइंग फूड वगैरह है, डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उस पर ये ग्रो करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप एनिमल्स को कंपेयर करेंगे फंजाई से, देखिए फंजाई भी अपना खाना नहीं बनाता और एनिमल्स भी अपना खाना नहीं बनाता, तो डिफरेंस क्या है, देखो फंगस वही ग्रो करता है जहां फूड रखा होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंगस नॉन मोटाइल होते हैं, तो फंगस ग्रो वही करता है जहां फूड अवेलेबल है, डिकम्पोज कर रहा है फूड, वो खराब हो रहा है वहां पर, तो अवेलेबल फूड पे फंगस ग्रो करता है। लेकिन एनिमल्स क्या बताओ, जहां फूड अवेलेबल है वहां वो मूव करते हैं, ये फर्क है। देखो फंगस वही ग्रो करता है जहां फूड मिलेगा उसको, और हम वहां चले जाते हैं जहां फूड अवेलेबल होता है। तो फंगस नॉन मोटाइल होता है, और ह्यूमन बींग्स एनिमिलिया की बात करें ओवरऑल, तो एनिमिलिया और हेटरोट्रॉप्स एंड मोटाइल कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों, ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, दैट्स फाइन। अब देखो मोनेरा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, तो वो फ्री लिविंग भी होते हैं, वो पैरासाइट्स भी होते हैं, वो सिम्बायोटिक भी होते हैं, बहुत तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इवन अगर मैं मोनेरा प्रोटिस्टा की बात करूं तो उसमें ऑटोट्रॉप्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो होता है ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, तो वहां पर देखो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, वहां पर सेप्रोफिटिक कंडीशंस भी होता है, सिम्बायोटिक कंडीशंस भी होता है, हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा में भी। ठीक है ना बच्चों, बट प्लांटे की बात करेंगे तो प्लांटे आर मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ एंड यूकैरियोट्स। इफ यू कंपेयर मोनेरा प्रोटिस्टा एंड प्लांटे, तो मोनेरा प्रोटिस्टा अगर ऑटोट्रॉफ है तो वो सिंगल सेल्ड होता है, प्लांटे मस्ट बी मल्टी सेलुलर एंड दे मस्ट बी ऑटोट्रॉफ। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ जी बच्चे, क्लियर है यहां तक सबको? चलो ठीक है। अब यहां देखो, तो कहने का मतलब ये बताओ, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं एनिमल, है ना, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं एनिमल, तो एनिमल का मतलब क्या है बताओ? अगर एक सिंगल वर्ड में एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाए कि एनिमल्स क्या होते हैं, इफ यू टर्म यूज एनिमेलिया, व्हाट डू मीन बाय एनिमेलिया? तो देखिए ये जो वर्ड एनिमेलिया होता है, एनिमल्स कहने का मतलब आप क्या कह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ। जितने भी एनिमल्स होते हैं, देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं दे मस्ट बी मल्टी सेलुलर एंड दे मस्ट बी हेटरोट्रॉफ। ठीक है ना, और देखो और हेटरोट्रॉफ में भी देखो कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आप जानते हैं कि एनिमल्स होलोजोइक भी होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। देखिए ये सब हेटरोट्रॉफ के टाइप्स हैं। एक्चुअली एनिमल्स में जो हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हुआ उसके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होलोजोइक कहते हैं, ये जो हाउस फ्लाई वगैरह होता है ये सेप्रोजोइक मोड में आते हैं, ये बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, देखो सिम्बायोटिक कहा जाता है, और एक को फायदा हुआ एक को मतलब फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, वो पैरासिटिक मोड में आते हैं। तो एनिमल्स होलोजोइक भी होते हैं, एनिमल्स सेप्रोजोइक भी होता है, एनिमल सिम्बायोटिक भी होता है और एनिमल पैरासिटिक भी होता है। समझ में आ गया बच्चों? जैसे आप जानते हैं टेपवर्म, एस्केरिस, ये एनिमल, ये तो एनिमल्स में ही आता है ना, लेकिन ये पैरासिटिक होते हैं? नो, सेप्रोजोइक क्या बताओ, सेप्रोजोइक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। आप देखिए इंसेक्ट वगैरह में, स्पाइडर वगैरह में भी होता है, इंसेक्ट में, स्पाइडर में, सच सच एनिमल्स
रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी एंड दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है इसको. देखो सेप्रोजोइक वही होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं. इसमें हाउसफ्लाई भी आता है, इसमें स्पाइडर भी आता है. सेप्रोजोइक वो नहीं होता जो डेड डिकेइंग फूड पे डिपेंडेंट होता है, वो तो डिकम्पोजर कहते हैं उसको. सेप्रोजोइक वो एनिमल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं. और इसमें एग्जांपल आता है किसका बताओ, इसमें हाउसफ्लाई भी आता है और इसमें स्पाइडर वगैरह भी आता है. तो सेप्रोजोइक आर नॉट डिकम्पोजर. समझ में आ गया बच्चों ये चीज आपको? चलिए अब ये बताओ, अब देखो जहां ऑटो फिटिक वर्ड आता है ये आपका प्लांटी वाले पार्ट में चला जाएगा, या फिर आप ये प्रोटिस्टा वगैरह में मिलता है, मोनरा वगैरह में मिलता है ये. अच्छी बताओ आप ये, आपको ये पता है कि ये जो एनिमल किंगडम है इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, देखिए किंगडम को हम डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं दो सब किंगडम कहा जाता है. और इसमें एक नाम आप जानते हो, एक नाम इसमें आता है पैराजोआ और एक नाम आता है इसमें यू मेटाजोआ. एक्चुअली एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है. देखो तो सबसे पहले एनिमल किंगडम जो एक मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप होता है इसे हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया. इट कैन बी टर्म्ड एज सब किंगडम, इट कैन बी टर्म्ड एज सब किंगडम एंड दिस इज पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ. ये किस बेसिस पे किया गया आपको पता है? जिस एनिमल्स में देखो सेल्स का ग्रुपिंग होता है इसको लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स कहते हैं. सेल्स आर टुगेदर, नो डाउट दे आर मल्टी सेलुलर, बट यहां कोई डेफिनेट टिश्यूज वगैरह फॉर्म नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता रहे. ये क्या होता है देखो, इसे कहते हैं लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विथ डिवीजन ऑफ लिवर कहता है, विदाउट स्ट्रक्चर. देखिए आप जानते हो कि पहले तो यूनिसेलुलर ही आए थे इवोल्यूशन में, प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए. अब यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स की बात करें अगर, तो मान लो अगर सेल्स अलग अलग पहले अपना अपना काम कर रहा है, सेल्स अभी अलग अलग हैं दूसरे से, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द यू नो एवोल्यूशनरी चेंजेस, सेल्स को आपस में मतलब इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ी. एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में आया और वो अब ये कह रहा है कि तुम ये फंक्शन कर लो, मैं ये फंक्शन कर लेता हूं, और सबका एक यूनाइट फंक्शन हो जाएगा. फिर ये सर्वाइवल ज्यादा आसान हो जाएगा इस तरीके से. तो कुछ सेल्स आपस में एग्रीगेट्स कर गए बट वो टिश्यूज पे कन्वर्ट नहीं हुए. टिश्यूज के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो यहां अवेलेबल नहीं होता. तो ग्रुप ऑफ सेल्स है देखो ये, इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. आपने पढ़ा होगा कि दिस काइंड ऑफ एग्रीगेशन इसको क्या बोलते हैं बताओ? इस तरह के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. सेल्स आर टुगेदर एंड दे डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क. इन्होंने अपने काम का बंटवारा कर लिया है बट ये टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं हुआ. एंड दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. और इस ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ? इसी ग्रुप को कहते हैं पैराजोआ. तो पैराजोआ सिंपली प्रिमिटिव एनिमल्स है, ये सिंपलेस्ट एनिमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर, जिसमें टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता. सेल्स तो होते हैं बट टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं होते. क्लियर? और देखो अब जहां पर सेल्स भी हो
टिश्यूज भी हो, ऑर्गन भी हो, ऑर्गन सिस्टम भी हो। देख सब कुछ आ गया, देखो यहां पर, यहां सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, और ऑर्गन सिस्टम के साथ हम ऑरिजिन की बात करते हैं। तो जिस ग्रुप में सेल्स भी मिले, टिश्यूज भी हो, ऑर्गन भी हो और ऑर्गन सिस्टम भी हो, इस ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ? ऐसे ग्रुप को कहा जाता है यू मेटाजोआ कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे आपके बुक में लिखा गया है कि इस एनिमल किंगडम में मेजर, वैसे तो बहुत सारे फाइलम हैं, बहुत सारे फाइलम हैं, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा गया है कि एनिमल किंगडम में मेजर फाइलम केवल 11 है ना। तो जिसका फर्स्ट, देखो पैराजोआ में एक ही नाम आता है, नंबर वन फाइलम जिसे कहते हैं आप, वो पॉलीफेरा होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं अब, वैसे तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे माइनर फाइलम भी होते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं करना आपको। एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है कि एनिमल किंगडम में टोटल मेजर फाइलम की बात करें वो 11 होता है, उसमें एक फाइलम पॉलीफेरा है जो पैराजोआ में आता है। पैराजोआ में और भी फाइलम है लेकिन वो प्रिमिटिव फाइलम्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें एक फाइलम के बारे में डिस्कस करना है और वो है पॉलीफेरा। समझ में आ गया? बाकी जितने फाइलम जानते हैं आप, देखो बाकी जितने भी नाम आप जानते हैं वो किसमें आता है बताओ? वो यूमेटाजोआ में आता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर टू, देखिए आपने नाम पढ़ा होगा सिलेंट्रेका का, आपने नाम पढ़ा होगा टीनोफोरा का, आपने नाम पढ़ा होगा प्लेटीहेलमिंथस का, आपने नाम सुना होगा एस्क्लेमेंथस का, आपने नाम सुना होगा आर्थ्रोपोडा का, पहले एनिडा कर लो, आर्थ्रोपोडा का, आपने नाम सुना होगा मोलस्का का, आपने नाम सुना होगा काइलोडर्माटा का, आपने नाम सुना होगा हेमिकोडेटा का, और आपने नाम सुना होगा पॉडेटा का। तो अगर आप इसको काउंट करें अगर, तो ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। तो टोटल मेजर फाइलम कितने हो गए बताओ? 11। टोटल जो मेजर फाइलम है, टोटल मेजर फाइलम ये 11 होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें एक पैराजोआ का है और बाकी सब यूमेटाजोआ में आते हैं। आपको ये भी पता है कि सभी यूमेटाजोवंस में ऑर्गन नहीं होता, सभी मेटाजोवंस में ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता। जैसे अगर मैं अब यहां थोड़ा सा मैं इसको क्लासिफाई कर दूंगा, देखिए एक तो ये पैराजोआ हो गया, अब देखो ये जो सेकंड थर्ड फाइलम होता है, देखो सेकंड और थर्ड, आपको पता है सेकंड और थर्ड में इसमें सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसमें ऑर्गन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो सेकंड थर्ड फाइलम में सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑर्गन, ये जानते हैं आप। फिर देखो जो नंबर फोर होता है, इसमें सेल टिश्यू ऑर्गन की बात करता है, सिस्टम की बात नहीं करते। मतलब प्लेटीहेलमिंथस में सेल होता है, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। बट सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ बताओ? तो सिस्टम का जो बिगिनिंग है ये नंबर फाइव से होता है। आपको पता है 5 से 11 तक
देखो यहाँ सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन से फाइलम से ऑर्गन सिस्टम जैसे वर्ड को यूज करते हैं, और इसका आंसर बताओ निमेटोड से आते हैं, ये एसेलमेंटिस से आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो फिर से बता देता हूं मैं आपको कि फर्स्ट फाइलम में पॉरीफेरा आता है, और पॉरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहां टिश्यूज नहीं होता। सेकंड थर्ड फाइलम में जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होता है, उसमें सेलुलर के बाद टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन नहीं होता। प्लेटी एलिमेंटिस में नंबर फोर, उसमें टिश्यूज के साथ ऑर्गन आ जाता है और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। लेकिन फाइव ऑनवर्ड्स एसेलमेंथिस से लेके कॉरेटा तक, आप जानते हैं वहां पर सेल्स भी होता है, टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो ये सिस्टम है जिस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ निमेटोड्स, यही होता ना। नंबर फाइव, नंबर फाइव का ही एक पार्ट है निमेटोडा। वैसे निमेटोड्स ऐसे फाइलम नहीं कहते, बट कई बार बुक में एसेलमेंथिस को निमेटोड्स भी कह देते हैं। निमेटोड्स एक्चुअली सॉइल पैरासाइट होता है जो एसेलमेंथिस में आता है, निमेटी एलमेंथिस भी कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने पहले फाइलम को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पॉलीफेरा एंड यू मेटाजोआ। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? और ये भी याद रखिएगा जो पैराजोआ होता है, ये सिंगल ऐसा एक ग्रुप है जहां पर आपको क्या मिलेगा, ओनली इंट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि पैराजोआ एक ऐसा ग्रुप है जहां पर सेल्स के बाहर डाइजेशन नहीं होता, वॉट एवर डाइजेशन इज हैपनिंग इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो ओनली इंट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन, यहां एक्स्ट्रा की बात नहीं करते, ये पैराजोआ में होता है, है ना। और ये भी जानते हैं आप कि पैराजोआ विदाउट न्यूरॉन्स कहते हैं, इसमें नर्व सेल्स भी नहीं होते, पैराजोआ में कोई नर्व सेल नहीं होता। याद रखिएगा न्यूरॉन्स का जो बिगिनिंग है, प्रिमिटिव न्यूरॉन्स जो आए थे वो सिलेंट्रेट से आए थे। तो पैराजोआ में देखो कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पैराजोआ में डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स के बीच में, टिश्यूज नहीं होते यहां पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, इसमें इंट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन होता है और इसमें न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं होता। समझ में आ रहा है? एक्साइटेशन होता है, देखिए दे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन यहां पर न्यूरॉन्स जैसा कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता। क्लियर है यहां तक? अब यहां देखो मैं बात करूंगा यू मेटाजोआ की, याद रखिएगा इसमें जो सेकेंड थर्ड फाइलम होता है, सेकेंड थर्ड फाइलम याद रखिएगा, ये एक ऐसा एनिमल का ग्रुप है जिसमें डाइजेशन इंट्रा भी होता है और एक्स्ट्रा भी होता है। याद रखना इसको, सेकेंड थर्ड में बोथ लिखते हैं, बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा पहले होता है, इंट्रा बाद में होता है। ये भी एक यूनिक चीज है, देखिए ये याद रखिएगा कि जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम होता है, इसमें डाइजेशन दोनों होता है, एक्स्ट्रा भी होता है, इंट्रा भी होता है। पहले एक्स्ट्रा होता है मतलब सेल्स के बाहर होता है, फिर सेल्स के अंदर भी होता है। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? तो सेकेंड थर्ड फाइलम में दोनों तरह के डाइजेशन मिलते हैं, एक्स्ट्रा भी होता है और इंट्रा भी होता है। पहले एक्स्ट्रा डाइजेशन कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर क्या बोलते हैं बताओ,
फिर कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन देखो 5 से 11 तक, 5 से 11 देखिए, फ्रॉम 4 to 11 4 से 11 तक मतलब प्लेटे हेलमिंथी से लेके कॉडेटा तक, इनमें डाइजेशन केवल ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। याद रखना 4 to 11 में ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब देखिए एक और चीज देखिए, ये भी याद रखिएगा, सेकेंड थर्ड फाइलम में न्यूरॉन्स होते हैं बट नो नर्व कॉर्ड। देखो सेकेंड थर्ड फाइलम जो होता है, देखो इसमें न्यूरॉन्स तो होते हैं बट वो ऐसे एग्रीगेट्स नहीं बनाते। नर्व कॉर्ड की जो बात करते हैं वहां पे कोई नर्व कॉर्ड नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स मिलते हैं, प्रिमिटिव न्यूरॉन्स कहा जाता है। याद रखना सेकेंड थर्ड फाइलम में प्रिमिटिव न्यूरॉन्स की बात की जाती है, न्यूराइट्स भी कहते हैं इसको, कई बार उस टर्म्स को यूज करेंगे आप, न्यूराइट्स भी कहते हैं। तो सेकेंड थर्ड फाइलम में न्यूराइट्स होता है, प्रिमिटिव न्यूरॉन्स कहते हैं, बट यहां कोई नर्व कॉर्ड नहीं होता। रिमेंबर दैट पार्ट, नो नर्व कॉर्ड। जैसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आपके बॉडी में है, वो नर्व कॉर्ड का एक पार्ट है एक्चुअली, तो नर्व कॉर्ड नहीं होता वहां पर। लेकिन देखिए 4 to 9 की बात करूं, 4 to मतलब एक काइनोडायमेटा तक, तो यहां पर देखो क्या मिलता है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड कहते हैं। देखो ये मैं बेसिकली सब कुछ यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो इसको कि आपके बॉडी का जो डॉर्सल वेंट्रल साइड होता है, ये बताऊंगा कैसे ये पता करते हैं डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है। लेकिन याद रखना 4 to 9 मतलब 4 to 9 काइनोडर्माटा तक, क्या लिखते हैं बताओ, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जो 10 नंबर होता है, देखो 10 नंबर मतलब आप हेमिकोरिटा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होता है, दोनों होता है। डॉर्सल वाला पार्ट लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड कहते हैं, और वेंट्रल ज्यादा डेवलप्ड होता है, मोर कहते हैं, मोर डेवलप्ड होता है। और इसीलिए कई बार देखो आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, पढ़ा है ना कि ये जो आपका हेमिकॉर्डेटा है इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। नंबर 10 पे जो आता है इसके बीच में बताओ, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में क्यों कहते हैं ऐसा बताओ? क्योंकि इसमें नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस वेंट्रल तो पहले से आ रहा था, इसमें डॉर्सल का भी अपीयरेंस हो जाता है। डॉर्सल ज्यादा डेवलप नहीं होता लेकिन यहां डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी आ जाते हैं, वेंट्रल तो होता ही है। और आप जानते हैं कि नंबर 11 देखो, आप जानते हो कि नंबर 11 जो होता है मतलब कॉर्डेटा की बात करें, कॉर्डेट्स की बात करें, तो कॉर्डेट्स हैव ऑलवेज सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कहते हैं। देखो ये याद रखिएगा, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, भी बताता हूं क्या होता है वो, रुक जाओ।
देखिए नंबर 11, यहां पर किसकी बात करते हैं बताओ, यहां पर जितने भी कॉर्डेटा होते हैं ऑल कॉर्डेट्स हैव सिंगल डॉर्सल हॉलो। हॉलो मतलब कोई कैविटी नहीं है ना, सॉलिड मतलब आप जानते हैं, सॉलिड एक एक ट्यूब है जिसमें कोई, जैसे वायर होता है, वायर में कोई बीच में जगह थोड़ी होता है, पर एक ट्यूब होता है देखो उसमें बीच में जगह होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कैविटी होता है ना जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, सीएसएफ जिसे कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे कहते हैं। तो आपके बॉडी का जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में है, सिंगल होता है और हॉलो होता है। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये ब्रीफली यहां पे याद रखिएगा। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, यहां देखो ये मिटा दूं यहां पे क्लियर, ये इसको मिटाओ यहां से। चलिए ओके, अब देखो फाइलम 1-10 इसे कहा जाता है नॉन कॉर्डेटा। ऑब्लिकली कई बार इसको हम इनवर्टिब्रेट भी कह देते हैं जो करेक्टली नहीं है। 1-10 और 11 को तो कॉर्डेटा ही कहते हैं, और ये जो बताया गया, ये बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उसे आप कॉर्डेट्स कहते हैं, और जहां पे नोटोकॉर्ड नहीं होता है उसको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है, उसको इनवर्टिब्रेट्स भी कह दिया जाता है। बट थोड़ा सा फर्क है, अगर मैं बताऊं कि जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं सबको आप इनवर्टिब्रेट नहीं कह सकते, बट ये कई बार यूज कर लेते हैं वर्ड इसको। और आप जानते हो कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड ऑलवेज कहा जाता है डॉर्सली प्लेस्ड होता है, मेसोडर्मल होता है, ट्यूबुलर होता है और कार्टिलेज का बना होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। देखिए तो याद रखिएगा नोटोकॉर्ड के बारे में ये चीज बताया जाता है कि नोटोकॉर्ड जब भी होगा ये डॉर्सल साइड में होता है बॉडी के। इसका ओरिजिन कहां से होता है बताओ, मेसोडर्म से होता है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन ओरिजिन। देखो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसका फॉर्मेशन या तो एक्टोडर्म से होता है, एंडोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है। ऑल ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम 3 जर्म्स लेयर, एक्टो एंडो मीजो। तो हमारे जो बॉडी का नोटोकॉर्ड होता है जो बाद में ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो नोटोकॉर्ड है वो कहां से बना बताओ, उसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज ऑलवेज मेसोडर्मल। समझ में आ गया बच्चों? और ये हमेशा किसका बना होता है बताओ, कार्टिलेज का बना होता है, ट्यूबुलर होता है, डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और इसका ओरिजिन क्या है बताओ, इट्स ओरिजिन इज मेसोडर्मल। क्लियर? अब यहां देखिए, अब आप जानते हैं कि नंबर 10 पे एक टर्म यूज करते हैं हेमिकॉर्डेटा। पता आपको? अब देखो हेमिकॉर्डेटा में प्रॉब्लम क्या था, पहले कई काफी समय तक हेमिकॉर्डेटा को कहते थे कि ये भी एक तरह का कॉर्डेटा ही है। हेमिकॉर्डेट्स हैव, हेमिकॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमोकॉर्ड एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन।
कहने का मतलब एनिकोलेट्स में न्यूटोपॉड जो होता है वो अब्सेंट होता है। बट याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि काफी समय तक हेमिकॉडेटा को हम कॉडेटा का ही सब फाइलम मानते थे। ये आपको शायद पता हो या नाइन्थ क्लास में भी बताया गया होगा, आपको नाइन्थ क्लास के बुक में भी लिखा गया है कि काफी समय तक हेमिकॉडेटा को कॉडेटा का ही सब फाइलम मानते थे, क्योंकि वो जिसे नोटोकॉड समझ रहे थे पहले वो नोटोकॉड तो था ही नहीं, वो नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या बताओ, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और इसका ओरिजिन कहां से बताओ, एक्टोडर्मल होता है। ट्रू नोटोकॉर्ड ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। और इस बेसिस पे जब ये समझ में आ गया कि ये तो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है, तो साइंटिस्ट ने हेमिकॉडेटा को क्या कह दिया, ये सेपरेट फाइलम है नॉन कॉडेटा का। हेमिकॉडेट्स में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कॉडेट के जैसा होता है, जैसे मैंने कहा कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड आ जाता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आ जाते हैं, तो इसे कह दिया कि ये बीच में है, ये कॉडेटा और नॉन कॉडेटा के बीच में है, कनेक्टिंग लिंक है ये। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉडेट्स का वो यहां अवेलेबल नहीं है। एंड वॉट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, कॉडेट्स मस्ट हैव मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड, यस, जो हेमिकॉडेटा में नहीं था। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों? और इसीलिए हेमिकॉडेटा को क्या कहते हैं बताओ, ये एक फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक था, तो इसे मान लिया गया कि ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉडेट्स और कॉडेट्स के बीच में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए अब यहां देखो, अब आप जानते हैं कि कॉडेटा जो होता है ये एक फाइलम है। इस कॉडेटा को फिर आपने डिवाइड कैसे देखिए, एक टर्म यूज करते हैं प्रोटोकॉडेटा, और एक टर्म यूज करते हैं वर्टिब्रेटा। देखो, और इस प्रोटोकॉडेटा का दो ग्रुप और आता, देखो इसका मतलब क्या बताओ, इसे कहते हैं प्रिमिटिव कॉडेट्स, प्रिमिटिव कॉडेटा कहते हैं। और देखो इसमें दो नाम आता है, आप जानते हैं कि एक वो कहते हैं यूरोकॉडेटा और एक को कहते हैं सेफेलोकॉडेटा। कंबाइंड फॉर्म में दोनों को प्रोटोकॉडेटा कहा जाता है। अब देखो, ये है सब फाइलम वन, ये है सब फाइलम टू, और इसे कहते हैं सब फाइलम थ्री, और इन दोनों सब फाइलम को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं बताओ, प्रोटोकॉडेटा कहा जाता है। अब ये किस बेसिस पे किया गया ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर कि देखो, जैसे अगर मैं यूरोकॉडेटा की बात करूं, इस सब फाइलम की बात करूं, सब फाइलम यूरोकॉडेटा में क्या बताओ, नोटोकॉर्ड जो होता है ये लार्वा में होता है, एडल्ट में क्या हुआ, नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो जाता है, एडल्ट विदाउट नोटोकॉर्ड कहता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बाद में एनसीईआरटी में समझाया भी गया है, मैं अभी बता देता हूं उसको कि नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं आपको यहीं पर कि यूरोकॉडेटा एक ऐसा कॉडेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वा में होता है केवल, एडल्ट में नोटोकॉर्ड पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, नो नोटोकॉर्ड इन एडल्ट, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड यूरोकॉडेटा। ये सब फाइलम है, ये एक सब फाइलम है।
किसका, कॉजेटा का। और देखो इसमें क्या है, देखो नोटोकॉर्ड लार्वा में होता है और नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी होता है। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, थॉरली कहते हैं थ्रू आउट लाइफ, पूरे जिंदगी पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। लार्वा से लेके एडल्ट तक नोटोकॉर्ड ही मिलेगा आपको, इसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। थ्रू आउट लाइफ एनिमल्स पोजेस ओनली नोटोकॉर्ड, कोई चेंज नहीं आता, जैसा लार्वा में था उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है एडल्ट में, बट कोई चेंज नहीं आता, स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं आता उसमें। क्लियर है यहां तक बच्चों? और देखिए नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में होगा, नोटोकॉर्ड लार्वा में भी हो सकता है, देखिए, लेकिन एडल्ट में देखो, एडल्ट में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें बताओ, वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं आप। याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है और बोनी भी होता है। तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड बाद में क्या बन गया बताओ, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट कर गया, और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेज का बना भी होता है और बोन्स का बना भी होता है, और ऐसे ग्रुप को ही वर्टिब्रेट्स कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कि वर्टिब्रेटा एक ऐसा कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा एक ऐसा कॉर्डेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड इम्ब्रियो में है, उसके लार्वा में है, बट जैसे ही वो एडल्ट के फॉर्म में आ रहा है, उसका चेंज हुआ स्ट्रक्चर उसका, तो वो क्या बन गया बताओ, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया, रिप्लेसमेंट कहते हैं, नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना भी होता है और ये बोनी भी होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड क्या बन गया बताओ, वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम किस चीज का बना होता है बताओ, ये बोनी भी होता है और ये कार्टिलेज का बना भी होता है। इसका मतलब क्या है, देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट तो हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा, बट ऑल कॉर्डेट्स कैन नॉट बी वर्टिब्रेटा। क्लियर है बच्चों ये चीज यहां तक? इसका मतलब देखिए 1 to 10 प्लस प्रोटोकॉर्डेटा, आप इन सबको कह सकते हैं क्या, इन सबको हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो कहने का मतलब देखो जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं और साथ में जो प्रोटोकॉर्डेटा भी है वो भी तो इनवर्टिब्रेट्स में आएगा। ये क्लियर है यहां तक बच्चों? बट कई बार मैंने कहा ना कि नॉन कॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट्स कह देते हैं, बट इनवर्टिब्रेट्स में ये वाला ग्रुप भी आता है, देखो प्रोटोकॉर्डेटा भी आता है, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसे इनवर्टिब्रेट्स कह दिया जाता है। यहां तक क्लियर है सबको? और ये भी एक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस में आता है, चलिए ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। और आप पढ़ेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये कार्टिलेज का बना भी होता है और बोनी भी होता है। जैसे आप जानते हैं, देखो एक टर्म मैं बता दूं आपको, देखो अब वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है, वर्टिब्रेट्स में आता है सी पी ए आर ए एम, देखो ये सभी वर्टिब्रेट्स में आता है ना, साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया,
एप्स एंड मैमल्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और आपको पता है कि पाइसेस दो तरह के होते हैं, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टिकाइटिस। ये फिर से पढ़ेंगे बाद में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं केवल यहां पर आपको कि वर्टिब्रेट्स का ये पूरा देखो ग्रुप है, साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। पाइसेस में दो ग्रुप आता है, कार्टिलेजिनस अलग है, बोनी अलग होता है, कॉन्ड्रिकाइटिस ऑस्टिकाइटिस कहते हैं। और आपको पता है कि केवल इनमें देखो सी और सी, ये जो सी और सी होता है इसमें केवल सी होता है। मतलब क्या है बताओ इसका, कि साइक्लोस्टोम्स में और कॉन्ड्रिकाइटिस में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और बाकी सब में देखो ये पूरा ग्रुप देखिए यहां से आ, ये पूरा ग्रुप ऑस्टिकाइटिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, इन सब में क्या मिलेगा बताओ, इन सब में क्या मिलेगा आपको, बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो दो ही वर्टिब्रेट ऐसे हैं जहां वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है। नाम बताओ, एक हो गया साइक्लोस्टोम्स और दूसरा हो गया कॉन्ड्रिकाइटिस, कार्टिलेजस मछलियां जो होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होगा वहां पर, कार्टिलेज का बना होगा। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, ऑस्टिकाइटिस मछलियां हो गई, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, इन सब में क्या मिलेगा आपको, बोनी वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? और ये मैं ब्रीफ कर रहा हूं, ये चीजें बाद में फिर से डिस्कस करेंगे हम, बट मैंने आपको थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बता दिया, न्यूटोकॉट के बारे में बता दिया यहां तक, ठीक है। चलिए फिर इसको मैं मिटा देता हूं। देखो यहां पर जिन बच्चों को देखो थोड़ा सा, जिनको पहले ही जिन्होंने पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम, उनको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये फिर से डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये जस्ट एक ब्रीफिंग हो रहा है, इन सबको डिटेल से फिर से बताया जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। एस एस लेना है, एस एस का मतलब क्या होता है? स्क्रीन शॉट क्यों लेंगे आप? अरे आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा बच्चे, याद रखिएगा हर वीडियो लेक्चर का पूरा आपको एक, हर क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी होता है, वो आप मिलेगा आपको, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको बाद में जब फुर्सत मिले आपको क्लास के बाद, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप, नो हमें क्या दिक्कत है इससे, बट मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा फिर से, ठीक है। चलिए अब यहां देखो, तो ये मिटा देता हूं उसको यहां सर। और देखो मैं कह रहा हूं कि व्हाई यू आर लुकिंग फॉर स्क्रीन शॉट, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर वीडियो लेक्चर्स, आप खुद से लिखिए ना इसको, आपको आप तो एम्पल टाइम है, मैं इतनी जल्दी पढ़ा भी नहीं रहा ना मिटा रहा हूं उसको, आप लिखने की कोशिश करो ना बच्चों। देखो ये बहुत बेस्ट हैबिट होगा, मैं बता देता हूं, आप क्लासरूम के लेक्चर साथ में बनाइए। बिल्कुल सही बात है, लिखना चाहिए आपको, लिखने से क्या होगा याददाश्त भी बढ़ता है आपका, मेमोरी भी इनहांस होगा आपका। यस नोट्स मस्ट बी मेकिंग साइड बाय साइड, वो बनना चाहिए आपका। ऐसा करने से क्या होगा ना कि चीजें याद रहती हैं, आप लिखेंगे ना जितना ज्यादा लिखोगे, देखो मेमोरी का मतलब यही होता है, जितना ज्यादा चीजों को आप राइट करेंगे उतनी ज्यादा चीजें याद होती हैं। समझ में आ गया? तो नोट्स बनाइए आप, साथ में नोट्स बनाइए। चलिए अब मैं बिठाता हूं देखो इसको। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पे अब एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं देखिए। तो मैंने कहा था आपको कि जो एनिमेलिया होता है
इसका दो ग्रुप होता है, एक पैराजोआ कहते हैं और एक यूमेटाजोआ होता है। और जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पैराजोअन जो होते हैं ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। यहां कोई डेफिनेट सिमेट्री नहीं होती, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। दे आर मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली एसिमेट्रिकल कहता है। बट आप जानते हो कि यूमेटाजोआ में ये दो तरह के होते हैं। देखो, एक को कहते हैं रेडियाटा और एक को कहते हैं बायलेट्रिया। एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री एंड एनिमल्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। रिमेंबर, रेडियाटा मींस, इसका मतलब होता है एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एंड बायलेट्रिया मीन्स एनिमल्स विथ बायलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स विथ क्या लिखते हैं बताओ? बायलेटरल सिमेट्री कहता है। अब ये क्या है? देखो, जैसे मान लिया जाए ये कोई स्फेरिकल शेप में स्ट्रक्चर है या कोई सिलिंड्रिकल शेप में स्ट्रक्चर देखा सर दिया गया है आपको, है ना? और ऐसे स्ट्रक्चर को ये कहा गया है कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। तो देखिए, ये मान लो इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो कोई भी लाइन जो इसके सेंट्रल पार्ट से क्रॉस करेगा, देखो ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जो उसके आप कह सकते हैं। देखो, ये इसका अपर पार्ट है, इसका लोअर पार्ट है, ऐसे। वैसे यहां अपर लोअर भी नहीं कहते। तो एक से ज्यादा, देखो मोर देन वन एक्सिस यहां अवेलेबल होता है, जिससे बॉडी एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। वो दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो रेडियल सिमेट्री वो होता है, देखो यहां पर एक्सिस A1 भी है, एक्सिस A2 भी है, एक्सिस A3 भी है, और टू हाफ्स जो बनेंगे, देखो इसमें दो हाफ बनेगा, देखो एक्सिस से टू हाफ्स मस्ट बी मिरर इमेज कहते हैं। देखिए ऐसे, तो रेडियल सिमेट्री एक ऐसा सिमेट्री होता है जिसमें आप किसी भी एनिमल्स के बॉडी को दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब दो पार्ट बनेगा कई एक्सिस से, और हर बॉडी पार्ट जो होगा उसका, हाफ जो होगा उसका, वो एक दूसरे का क्या बताओ, मिरर इमेज कहा जाता है। एग्जैक्टली आइडेंटिकल्स होते हैं। जैसे आपके पास कुकुम्बर है, खीरा होता है, अब खीरे को आप अपर एक्सिस से कट करें अगर, तो कई एक्सिस बन सकता है। देखो, आप कई पार्ट में कई तरह से उसके बॉडी को, उस खीरे को दो पार्ट में कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना। तो वो जो खीरा क्या बताओ, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मोर देन वन एक्सिस, पॉसिबल एक्सिस इज देयर टू कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, एंड दीज हाफ्स मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। समझ में आ गया बच्चों? और याद रखना, जो ऐसा लिखा जाता है कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर, एनिमल्स हैव मोस्टली सेसाइल कहते हैं, सेसाइल और सिडेंट्री मोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये एक्टिवली मूवमेंट नहीं करते, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम ये सरफेस से चिपके हुए रहते हैं।
इनमें कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं होता, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट, ये सरफेस से चिपके हुए रहते हैं, सेसाइल मोड होता है इनका, सेडेंटरी मोड कहते हैं इसको, इनमें एक्टिव मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, प्रिमिटिव एनिमल्स एक्चुअली है। तो ये है रेडियल सिमेट्री, रेडियाटा कहा जाता है इसको। और देखो अब ये बताओ, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं बायलैटरल के, देखिए यहां पर जैसे मान लो ये ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर है, मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है ऐसे अगर, ये मान लो एक इंसान का स्ट्रक्चर है, और अब आपको ये कहा गया है कि इस एनिमल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करें, नॉट एग्जैक्टली बट दो आइडेंटिकल हाफ में कट करना है आपको, इसको दो हाफ बनाना है इसका, एग्जैक्टली तो हाफ हो ही नहीं सकता बट ऑलमोस्ट हो सकता है। तो आपको पता है कि हम इस एनिमल को ऐसे कट करेंगे, एक एक्सिस बनेगा, देखो सिंगल एक्सिस कहते हैं इसको, और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं मिड सेजाइटल एक्सिस कहते हैं इसको, सिंगल एक्सिस इज देयर। देखो याद रखना बायलैटरल सिमेट्री यही होता है, बायलैटरल सिमेट्री वही होता है जिसमें आप बॉडी को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ में कट करेंगे सिंगल एक्सिस के साथ, एक ही एक्सिस बनेगा, देखो यहां पर इवन कहते हैं, ओनली वन पॉसिबल एक्सिस कहते हैं इसको, जिससे बॉडी जो होता है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाफ में कट होगा, नॉट एग्जैक्टली, एंड दिस काइंड ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बताओ इसको, इसे कहते हैं मिड सेजाइटल एक्सिस। और जहां पर एक ही एक्सिस बने, दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। वैसे देखिए तो बायलैटरल सिमेट्री जब आप बॉडी को कट करोगे तो देखो इसमें एक राइट हाफ होगा, इसमें एक लेफ्ट हाफ भी होगा, राइट लेफ्ट हाफ बनेगा इसमें ना, लेकिन राइट लेफ्ट ऐसा कोई टर्म आप रेडियल में यूज नहीं करते, रेडियल सिमेट्री में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, कोई डॉर्सल वेंट्रल नहीं होता, रेडियल सिमेट्री में कभी भी आप एंटीरियर पोस्टीरियर की बात नहीं करते, डॉर्सल वेंट्रल की बात नहीं करते, लेफ्ट राइट की बात नहीं करते। नितिन जी भी अवेलेबल हैं क्लास में, तो देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि राइट लेफ्ट डॉर्सल वेंट्रल, आज बताऊंगा बायरेडियल, रुक जाओ पहले मैं इसको खत्म कर दूं। तो डॉर्सल वेंट्रल लेफ्ट राइट दीज टर्म्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल सिमेट्री। समझ में आ रहा बच्चों ये चीज आपको? अब देखिए यहां पर ये है कि अगर मान लिया जाए हम इस एनिमल को यू कट करें, देखिए अगर मैं इस एनिमल को ऐसे कट करूं, देखिए ऐसे इधर से ऐसे, देखो आप यूं कट कर रहे हैं, ऊपर से ऐसे कट कर रहे हैं, इसको फ्रंटल एक्सिस कहते हैं। देखो इस एक्सिस को कहते हैं क्या, इसे फ्रंटल एक्सिस कहा जाता है, जिससे बॉडी कट होता है डॉर्सल में और वेंट्रल में, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ नहीं बनेगा, देखो इसमें एग्जैक्ट हाफ नहीं होता, ये एक एक्सिस बनता है नो डाउट, फ्रंटल एक्सिस कहते हैं इसको, जिससे बॉडी जो होगा दो पार्ट में कट होगा, वो बराबर हाफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उससे बॉडी कट होता है डॉर्सल में और वेंट्रल में। समझ में आ रहा है? मिड सेजाइटल एक्सिस से बॉडी एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे आप, बट ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ में कट हो जाता है। जो फ्रंटल एक्सिस होता है इससे बॉडी दो पार्ट में कट होगा, वो हाफ तो एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता सिमिलर, बट दो हाफ बनेगा, एक डॉर्सल हाफ एक वेंट्रल हाफ कहते हैं, वो बराबर नहीं होता।
समझ में आ गया बच्चों? और याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ मूवमेंट बॉडी का जो हिस्सा ग्रेविटी को फेस करता है उसे वेंट्रल कहते हैं, और वेंट्रल का अपोजिट पार्ट डॉर्सल होता है। जो मतलब अब वेंट्रल के अपोजिट साइड में जो होगा उसे क्या कहते हैं, मतलब डॉर्सल कह देते हैं। तो जब चलते वक्त मूवमेंट के टाइम पर आपकी बॉडी का वो हिस्सा जो जमीन को फेस करे उसे कहते हैं वेंट्रल, एंड अपोजिट टू वेंट्रल इज कॉल्ड डॉर्सल कहा जाता है। अब जैसे कॉकरोच है या लिजर्ड होता है, जब वो चल रहा है तो चलते वक्त उसके बॉडी का वो पार्ट जो जमीन की तरफ है वो उसका वेंट्रल पार्ट है, एंड अपोजिट टू वेंट्रल इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बताओ उसको, उसे डॉर्सल कहा जाता है। तो देखिए, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो एक तो मिड सेरेब्रल एक्सिस होता है जिससे लेफ्ट राइट होता है, एक फ्रंटल एक्सिस होता है जो डॉर्सल वेंट्रल में डिवाइड करता है बॉडी को, और एक जानते हैं और होता है, देखो ऐसे, देखिए ऐसी बॉडी को कट कर दो, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं इसको, जो बॉडी को कट करेगा किसी में बताओ, एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, लेकिन ये भी बराबर नहीं है, ये बिल्कुल अलग होता है। तो बराबर तो ऑलमोस्ट बराबर तो कहां होगा बताओ, एक ही पॉसिबल एक्सिस है ना, क्या बोलते हैं इसको, उसे कहते हैं मिड सेजाइटल एक्सिस। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आपको आप तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं, दो दोस्त हैं आप, और तंदूरी जो चिकन है उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो जो एक्सिस आपके पास मिलेगा उसी एक्सिस को क्या बोलेंगे आप, वही होता है मिड सेजाइटल एक्सिस, ताकि दोस्तों के बीच लड़ाई ना हो, आधा आधा बढ़ जाए पूरी तरह से, एक लेग एक के पास, एक लेग एक के पास। अगर आप बीच से काट देंगे तो एक के पास दोनों लेग चला जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी आपके बीच में। फिर तो अगर आपको दोनों को एक एक लेग पीस चाहिए तो जो एक्सिस यूज करेंगे आप उस एक्सिस को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं उसको, उसे कहते हैं मिड सेजाइटल एक्सिस कहते हैं, जो बॉडी को कट करेगा लेफ्ट में और राइट में। समझ में आ गया सबको ये चीज, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो, जैसे अब मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल्स में, देखिए तो रेडियाटा में देखो जो फाइलम आता है वो आता है सेकेंड और थर्ड, रेडियाटा में जो एनिमल्स आते हैं वो दो फाइलम इसमें आता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब उसी में एक टर्म यूज करते हैं बाय रेडियल सिमेट्री, अरे बाय मतलब होता है दो, जहां पर दो पॉसिबल एक्सिस हो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में कट करने के लिए, उसी का नाम बाय रेडियल हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सी एनिमोन में, कुछ टीनोफोरा में भी होता है ये, तो रेडियल का ही एक टाइप बाय रेडियल होता है, जहां बहुत सारे एक्सिस बनेंगे वो सिंपली रेडियल होता है, जहां पर दो ही मिले एक्सेस उसी को कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल का ही एक टाइप बाई रेडियल भी होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये चीज? और देखिए, 4 से 11 तक प्लेटे हेलमिंथिस से लेके कहां तक बताओ, कहां तक, कॉर्डेटा तक, इन सबको बायलेट्रिया कहा जाता है, ऑल आर कॉल्ड बायलेट्रिया सिंपली। और याद रखना कि जो बायलेटरल सिमेट्री होता है, बायलेटरल सिमेट्री इज यूजफुल फॉर द एनिमल्स हु developed directional movement कहते हैं। जिन एनिमल्स ने अब
डायरेक्शन के साथ मूवमेंट स्टार्ट किया। ऐसे एनिमल्स में सिमेट्री डेवलप हुआ कैसा बताओ? बायलेटरल। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स का जो अगर बायलेटरल सिमेट्री का मिल जाएगा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको बेटा। बायरेडियल का डायग्राम सिंपली दो दो एक्सिस बना लो ना, क्यों उसमें फिर वही कह रहा हूं, डोंट डू रिसर्च व्हाट आई एम टेलिंग। बायरेडियल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिमेट्री जान लीजिए यही काफी है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। डायग्राम बहुत चीज का बन सकता है बट दैट इज नॉट यूजफुल टू यू। समझ में आ गया? तो देखो, तो बायलेटरल सिमेट्री मैंने क्या कहा कि ऐसे एनिमल्स में डेवलप हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो बायलेटरल सिमेट्री में ये कहा जाता है कि जो नर्वस सिस्टम का पार्ट था वो आपके बॉडी के अपर पार्ट में एग्रीगेट्स कर जाता है। देखो याद रखना बायलेटरल सिमेट्री में, एक चीज याद रखिएगा, देखो दिस टर्म कॉल्ड सिफिलाइजेशन कहते हैं। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या बताओ? लिख लो एक टर्म, लिख लो सिफिलाइजेशन टर्म, सिफिलाइजेशन कहा जाता है इसको। ये क्या बताओ? एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है इसको। अच्छा बताओ, भगवान ने आपको नाक आंख ब्रेन टंग ये सब बॉडी के कान ये सब बॉडी के अपर पार्ट में क्यों दिया है? ताकि आप एक लंबे डिस्टेंस तक चीजों को जज कर सके। अगर आपका आंख आपके पेट के पास होता, व्हाई योर आई इज प्रेजेंट ऑन योर हेड ओनली? इट गिव्स द सेंस ऑफ मूवमेंट। आपको एनिमी से बचना है, आपको फूड के लिए मूव करना है, तो आपको तो डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा ना। लेकिन जो एनिमल सरफेस से चिपके हुए रहते हैं, जो वहीं पे बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं, उनमें सिफिलाइजेशन तो डेवलप नहीं हुआ था। तो सिफिलाइजेशन एक टर्म यूज करते हैं, ये डेवलप हुआ बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में, एंड दैट हेल्प्स इन डायरेक्शनल मूवमेंट। एंड व्हाट इज सिफिलाइजेशन? एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये काफी हेल्पफुल होता है आपको अपने मूवमेंट में, जैसे डायरेक्शन की जरूरत है, फूड को सर्च करने के लिए आपको एक डायरेक्शन की तरफ चलना होता है, तो उसमें ये हेल्प करेगा आपको बायलेटरल सिमेट्री। तो याद रखना द टर्म सिफिलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स ओनली। क्लियर है यहां तक बच्चों सबको? अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन कहां आता है वो देखिए। अब यहां पर ये देखिए, तो ये समझ में आ गया ना सिफिलाइजेशन टर्म क्या बताओ? एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक चीज बताओ। देखो तो ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? तो याद रखना डॉर्सल वेंट्रल लेफ्ट राइट ये जो सारे टर्म्स हैं ये केवल कहां यूज होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता। क्लियर? चलिए अब ये चीज बताओ मुझे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखिए आपसे क्वेश्चन ये है, देखो रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन देखिए, हाइड्रा टीनोप्लेना स्टारफिश और एक क्वेश्चन दिया गया ऑल ऑफ दीज बट दी आर मोर देन वन।
देखो एक क्वेश्चन तो ये है, एक और क्वेश्चन है देखिए यहां पर, रेडियाटा इंक्लूड्स ऑप्शन वही है देखो, फर्स्ट हाइड्रा, सेकेंड टिनोप्लाना, थर्ड स्टारफिस, फोर्थ ऑल, फिफ्थ मोर देन वन। हाँ जी बच्ची बताइए इसका आंसर क्या है, क्या दोनों का आंसर मोर देन वन है? अच्छा एक में ऑल ऑफ दीज है और दूसरे में मोर देन वन है। अब देखो ये थोड़ा सा बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या, देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखिए रेडियल सिमेट्री एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और रेडियाटा एक ग्रुप होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स होता है ये नंबर 9 पे आता है, फाइलम नंबर 9 कहते हैं इसको, इसके लार्वा में और इसके एडल्ट में सिमेट्री अलग होता है। लार्वा की सिमेट्री बायलैटरल कहते हैं और एडल्ट की सिमेट्री रेडियल कहा जाता है। तो बायलैटरल सिमेट्री प्राइमरी होता है इसका और रेडियल सिमेट्री सेकेंडरी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि नंबर नाइन जो होता है बिलोंग्स टू बायलेट्रिया कहता है। सिमेट्री चाहे कोई भी हो क्योंकि जितने बायलेट्रिया होते हैं ऑल बायलेट्रिया आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा इसको कि इकाइनोडर्म्स एक ऐसा फाइलम है, इकाइनोडर्म्स एक ऐसा फाइलम है जिसमें लार्वा की सिमेट्री बायलेटरल है, एडल्ट की सिमेट्री रेडियल है और रेडियल सिमेट्री एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हाइड्रा में भी है, टिनोप्लाना में भी है और स्टारफिश में भी होता है। स्टारफिश एडल्ट का ही तो नाम कह रहे हैं क्योंकि लार्वा का नाम कुछ और होता है, लार्वा को कुछ और नाम देते हैं वहां पर, वो स्टारफिश नहीं कहते उसको, स्टारफिश एडल्ट की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया बताओ, ऑल ऑफ दीज। तो रेडियल सिमेट्री में हाइड्रा भी आएगा, टिनोप्लाना भी आएगा, स्टारफिश भी आएगा, लेकिन अगर आप रेडियाटा की बात करेंगे तो रेडियाटा में केवल सेकेंड थर्ड फाइलम आता है, ओनली सेकेंड थर्ड फाइलम, सिलेंट्रेटा एंड टिनोप्लाना, एंड दैट्स व्हाई आंसर केवल इसमें क्या आएगा मोर देन वन एंड इंक्लूड्स हाइड्रा एंड टिनोप्लाना, इसमें स्टारफिश नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि रेडियाटा जो होता है, रेडियाटा मस्ट बी डिप्लोब्लास्टिक। जर्म्स लेयर यहां पर केवल एक्टो और एंडो होता है और बायलेट्रिया जितने भी होते हैं सभी बायलेट्रिया ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इवन मैं बता दूं एक चीज आपको, 1, 2, 3 पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा एंड 1, 2, 3 देखो पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, इन तीनों को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और याद रखिएगा 4 से 11 तक इन सबको कहते हैं क्या, ट्रिप्लो ब्लास्टिक कहा जाता है। तो
क्वेश्चंस में याद रखिएगा क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है रेडियल सिमेट्री या रेडियाटा। अगर रेडियाटा की बात करेंगे आप तो रेडियाटा में केवल दो ही आएगा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, बाकी सारे फाइलम किसमें आते हैं बताओ, वो बायलेट्रिया की बात करेंगे आप। तो बायलेट्रिया स्टार्ट कहां से होता है, प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कहां तक बताओ, कॉरिटा तक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, यहां अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा आपको ये वर्ड याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियल सिमेट्री या क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियाटा। स्टारफिश बिलोंग्स टू विच ग्रुप, इसे कहते हैं बायलेट्रिया। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बता दो, ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। जैसे अगर मैं लिखूं एक टर्म, देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑल रेडियाटा, या ऐसे लिखा है कि ऑल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री, और ये लिखा हुआ है ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव बायलैटरल सिमेट्री। अब बताइए कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से एक सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। ये दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, देखो बोथ फॉल्स, वेरी गुड आशी गोयल, बोथ आर फॉल्स, ओके दैट्स गुड, बोथ रॉन्ग, ओके दैट्स गुड। चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्टेटमेंट ये भी गलत है और ये भी गलत है। अच्छी बताओ ये गलत क्यों है, फर्स्ट क्यों गलत है बताओ, व्हाई फर्स्ट इज रॉन्ग। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिप्लोब्लास्टिक में पॉलीफेरा भी आता है और ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। यस यू आर राइट, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखो लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक कारिडम्स भी आता है और इसमें रेडियल सिमेट्री भी मिलता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें सही क्या है, गलत क्या है, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही ही गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए आपको। अब देखो एसर्शन रीजन तो पूछा नहीं जाना आपसे, AR तो खत्म हो गया है, अब एम्स का एग्जाम द्वारा से होना नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि दो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, पूछा जाएगा दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, एक गलत है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे मल्टीपल चॉइस के साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, चलिए ठीक है, अब समय भी समाप्त हो रहा है आपका, तो होपफुली आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। किसी को स्पीड से दिक्कत तो नहीं है बच्चों, कि थोड़ा फास्ट चल रहा है या थोड़ा स्लो चल रहा है, या फिर कुछ अनयूजुअल सी चीजें बताई जा रही हैं आपको, दैट्स गुड। और मैंने क्या कहा कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं आज लिख नहीं पाया या छूट रहा है कोई चीज, तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस हैं, बट उसे आप एक प्रैक्टिस मत बनाइएगा। मैंने क्या कहा आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन उसको आप एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में मत लाइए, आप क्लासरूम के नोट्स वहीं लिखिए, वहीं समझो आप, और जहां थोड़ा बहुत आपको डाउट्स वगैरह होता है वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, क्लासरूम में भी क्लासेस चल रही हैं, आप क्वेश्चन यहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल भी आपकी क्लास है,
कल भी आपकी क्लास होगी मेरे ख्याल से, तो किंगडम का जो बचा हुआ और बेसिक्स का पार्ट है, सेट की सिलोम कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ सिलोम कैसे होते हैं, बॉडी कैविटी का प्लान कैसे बनता है, ओपन क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे आप कल वाली क्लास में। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, टेक केयर।